أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. आज हम आलू गोश्त बनाएंगे और मैंने ऑयल डाला है आधा सा कप और एक पाव सा गोश्त है। तो अब इसमें इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि ये फ्रीज़र का थोड़ा सा खुल जाए। उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे और ये प्याज और थूम है, ये दोनों चीज़ें डाल के तो इसको फिर हम भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी डाल के और नमक हल्दी और ये चीज़ें हम फिर बाद में डालेंगे। तो अभी ये थोड़ा सा खुल जाएगा तो उसके बाद हम इसमें ये प्याज डालेंगे। अच्छा, अब ये मेरा गोश्त हो गया, थोड़ा सा खुल भी गया और थोड़ा सा मैंने इसको भून लिया पानी में, घी में। तो अब इसमें हम ये थूम डालेंगे, इसको थोड़ा सा कर लेंगे। उसके बाद प्याज डालने के बाद अब इसका थोड़ा सा हो गया, खुशबू आ गई है। अब इसमें हम प्याज डाल लेंगे। प्याज को भी थोड़ा सा हम भून लेंगे, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। अच्छा, अब मेरा ये प्याज भी थोड़ा सा नरम हो गया है तो इसमें ये दालचीनी है और तीन चार लौंगे हैं और एक काली मिर्च है, नमक हल्दी और सूखा धनिया, ये बीच में डाल के। तो इसके बाद अब हम इसमें पानी डाल के, हांडी में पानी थोड़ा सा कम डालता है तो मैंने तकरीबन वे एक गिलास सा पानी डाल के तो बस इसके ऊपर ढक्कन बंद कर देंगे। टमाटर एंड में डालेंगे। अब हम इसमें ये सुरख मिर्च डाल लेंगे और ये अब भुनने वाली पोजीशन में आ गए। और सुरख मिर्च के बाद हम इसमें आलू भी डाल लेंगे। गोश्त को हमने पहले भून लिया था तो अब आलू भी डाल लेंगे और आलू और गोश्त को हम थोड़ा सा भून लेंगे फिर इसमें पानी डालेंगे। बस हम इसमें पानी डाल लेंगे, थोड़े से आलू भी गल जाएंगे और बस आलू थोड़े से हो भी गए हैं और थोड़े से और हो जाएंगे और बस फिर हम बंद कर देंगे। अच्छा, अब इसमें है थोड़ा सा पानी लेकिन ये टमाटर इसलिए डाल रही हूँ कि ये गल जाए इस पानी के साथ। इसके ऊपर से मैंने छिलका उतारा हुआ है और इसकी वीडियो मैंने दी हुई है छिलका उतारने की। और बस इसमें अब थोड़ी सिर्फ मिर्चें रह गई हैं, वो हम टमाटर हो जाए तो उसके बाद फिर हम डालेंगे। बस अब ये बीच में मेथी डालेंगे और गरम मसाला। बस अब हमारी हो गई है मुकम्मल। बस हमारी हांडी तैयार हो गई है, गोश्त भी अच्छी तरह गल गया और मिट्टी की हांडी का ये कमाल है कि अभी तक हांडी उबल रहा है सालन।